करते हैं बच्चों 12.2 नवा प्रश्न पढ़िए भैया क्या है। एक वृत्ताकार ध्रुव को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। बैठ जाइए, एक एक करते हैं। कह रहा है एक तार है उससे ये ब्रोज बनाया गया है। अब जो ब्रोज बनाया गया ये वृत्ताकार है और इसका व्यास है 35 मिलीमीटर, तो यहाँ पर कुल तार कितना लगा होगा? देखने से ही पता चल रहा है, एक तो इसका सरकमफेरेंस मतलब इसकी परिधि और 10 व्यास। ये बात समझ में आ रही? 10 व्यास है ना, तो इसमें भी तार लगा होगा। तो पहला भाग बिल्कुल आसान है, पहला भाग में लिखेंगे कि कुल तार की लंबाई हमें निकालनी है पहले भाग में, क्यों बच्चों? तो कुल तार की लंबाई बराबर, पहली बात तो परिधि ब्रोच की, और धन 10 गुणे व्यास। व्यास हमें दिया गया है 10 व्यास है ना, काउंट करेंगे 10 व्यास हो जाएंगे। तो परिधि अच्छा सॉरी 5 व्यास है, 10 त्रिज्य खंड है। अच्छी समय आपने याद दिला दिया, नहीं कैलकुलेशन बिगड़ जाती। 1 2 3 4 5 व्यास है, ठीक बात है, 5 व्यास है और 10 त्रिज्य खंड है। तो अब परिधि होती है पाई गुणे व्यास, अगर व्यास दिया हो, धन 5 गुणे व्यास। व्यास कितना दिया गया है बच्चों? 35 mm। पाई का मान कुछ नहीं दिया गया है कि दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो 22/7 रखना होता है। तो 22/7 गुणे व्यास कितना है? 35 धन 5 गुणे 35, 7 × 35, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 22 धन 35, तो अब ये आ जाएगा 5 गुणे 5 × 2 = 7 और 3 × 2 = 5। अब ये आ जाएगा 5 × 7 = 35 हासिल लगे 3 × 5 = 25 × 3 = 28, तो 285 मिलीमीटर तार लग गया बच्चों ब्रोज बनाने में। समझ में आ रहा है सभी को? दूसरा भाग क्या है? ब्रोज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हर एक त्रिज्यखंड बराबर है मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एक तो त्रिज्या, तो व्यास अगर दिया गया है 35 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आ जाएगी व्यास की आधी अर्थात 35/2 सेंटीमीटर। और दूसरा केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे? अच्छा हाँ मिलीमीटर, ठीक। तो अब दूसरी बात है केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाएगा? भाई कितने भाग है ये? 10 भाग है। टोटल कंप्लीट एंगल होता है कितना? 360, उसमें 10 का भाग दे देंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा। तो दूसरा भाग करते हैं, दूसरा भाग में पहले हम केंद्रीय कोण थीटा निकालेंगे, वो कैसे आएगा? 360 कंप्लीट रोटेशन है, 10 त्रिज्य खंड है, तो भाग दे देंगे तो 36 अंश आ जाएगा केंद्रीय कोण, और रेडियस हमें दी गई है 35/2 मिलीमीटर। तो अब हम सीधे सीधे सूत्र अप्लाई करेंगे, बैठ जाइए भैया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो अब थीटा की जगह हो जाएगा 36/360 गुणे 22/7 गुणे 35/2 गुणे 35/2। चलिए इसको हल करते हैं, तो ये एक बार जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 7 से 7 कट गया, और उसके बाद 2 से कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, तो अभी आ जाएगा 35 × 11, 11 × 5 = 55 हासिल लगे 5 और 11 × 3 = 33 और 5 = 38 और बटे 2 तो ये हो जाएगा 19 × 2 = 38 और 2 × 2 = 4 192.5 वर्ग मिलीमीटर। ये आ गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा एक और 4 है, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं बच्चों, ये आज मिस्टेक बड़ी हो रही, बटे 4
तो इसको भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा दशमलव में वही आंसर हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, मगर अब चार दिया गया है तो आप भाग दे के आंसर फाइनल लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नोट कर लीजिए।